पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ और पर्यावरण का महत्व, सिंपल सा अर्थ है, पर्यावरण का मतलब परिआवरण, दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी मानव के चारों तरफ जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी वस्तु, पेड़ पौधों, झील, तालाब, मिट्टी, मानव आदि, इन सभी समूह को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु, तालाब, जो भी, सारी चीजें पर्यावरण का हिस्सा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परिआवरण का अर्थ चारों ओर, आवरण का मतलब वातावरण, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो कहलाता है पर्यावरण। और ये इसका उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के एनवायरमेंट, अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं। ये बना किससे है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द एनवायर से हुई है, एनवायर से एनवायरमेंट बना है। इसकी परिभाषा जो दी है डीएच डेविस ने कहा है, भूमि या मानव के चारों ओर घेरे हुए उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनमें न केवल वह रहता है अपितु जिनका प्रभाव उसकी आदतों, क्रियाओं पर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस परिभाषा का मतलब यह है मानव का जो स्वभाव है, उसका रहन सहन, वो सारा का सारा पर्यावरण से प्रभावित होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में आप लोग देखेंगे उनका रंग रूप अलग होता है, मैदानी क्षेत्रों के लोगों का स्वभाव अलग होता है और मरुस्थल के लोगों का स्वभाव अलग होता है। ये स्वभाव, उनकी आदतें, सब कौन प्रभावित करता है, पर्यावरण प्रभावित करता है। यहाँ ये देखिए जो आपको ये दृश्य दिखा है वो दृश्य जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र का है, नुब्रा घाटी का, यानी यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, यानी उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि उनको पहाड़ी क्षेत्रों में उठना, चलना, फिरना, सारा काम यहाँ करना होता है। मैदानी लोग अपेक्षाकृत थोड़े उनके कंपेरिजन कम स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो समुद्र तट के पास रहते हैं वो मछली पकड़ने का काम करते हैं, उनके हाथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण, कोलोराडो क्षेत्र में मानव के आवास दृश्य, यानी ये आप देखें कि कोलोराडो क्षेत्र में जो मानव जिस प्रकार से उसने आवासीय बस्तियां बनाई है, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, मानव की जनसंख्या बढ़ने से पेड़ पौधों की संख्या में कमी आई है। यहाँ भी देख सकते हैं ये सारे रोड्स बनी हुई है, ये मकान वगैरह बने हैं, ग्रीनरी आपको बहुत कम दिखाई दे रही है। तो मानव ने जब अपना सांस्कृतिक पर्यावरण का विकास किया तो उसका पर्यावरण जो है भौतिक पर्यावरण उसमें कमी आने लगी है। पर्यावरण प्रदूषण कारणों में द्वारा धुओं का उत्सर्जन, यानी पर्यावरण किससे प्रभावित हो रहा है, मानवीय क्रियाकलापों से। उन क्रियाकलापों में जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ी है उसने पेड़ों को काट के मकान बनाया है, रोजगार के लिए उद्योग धंधे डेवलप किए हैं और उद्योग धंधों से ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है। साथ ही जनसंख्या के आवागमन के लिए यातायात के साधनों का उपयोग किया जाता है, उनसे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है, उनसे निकलने वाले धुएं से वातावरण दूषित हो रहा है। इसका महत्व अगर हम देखें तो यह हमारे जीवन को भी प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुचे से निर्मित दिखाई, यानी पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है। मानव का संपूर्ण कार्य पर्यावरण की क्रिया, पर्यावरण के भीतर ही उसके सारे क्रियाकलाप होंगे तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी उसके पर्यावरण में ही संबंध है, यानी एक जो मानव है उसका पर्यावरण के साथ अन्योन्य संबंध है। अन्योन्य संबंध का मतलब पर्यावरण से वो प्रभावित होता है और वो खुद भी क्या करता है, पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसी के साथ अपना ही चक्कर।